पिछली वीडियो में हमने स्कोरिंग की बात की और स्कोरिंग का पूरा स्केल और स्कोरिंग का जो एल्गोरिदम है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन उसका डिस्कस किया कि स्कोरिंग हो किस तरीके से रही होती है। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट पर आने वाले सवालात की नेचर या उनकी इकसाम, उनकी टाइप्स क्या होती है। अब जाहिर है हमने देख लिया, ओवर एक हाई लेवल पिक्चर देख लिया है टेस्ट की, कि टेस्ट पर इस तरह के मॉड्यूल्स हैं, वो इतने सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो सेक्शंस इस ऑर्डर में आ रहे हैं और उन तीनों मॉड्यूल्स की स्कोरिंग ऐसे हो रही है। अब उन मॉड्यूल्स के अंदर थोड़ा डीप डाइव करते हैं और हर मॉड्यूल के में जो आपकी रीजनिंग की सलाहियत जांची जा रही है वो किस तरह के, किस नेचर के, किस टाइप के सवालात के जरिए जांची जा रही है, उस पर कुछ बात करते हैं। अब हम इन सवालात की डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इनफैक्ट कुछ सवालात की टाइप्स को तो हम शायद डिस्कस भी ना करें, सिर्फ उनकी एक बहुत बेसिक सी नेचर को डिस्कस करें, क्योंकि जाहिर है इन सवालात पर एक्चुअल फुल लेंथ वीडियोस आगे चलकर आप देखेंगे। लेकिन इनमें से एक आधी क्वेश्चन टाइप ऐसी है जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है, क्योंकि वो थोड़ी मुनफरिद है टू द जीआरई, थोड़ी यूनिक है टू द जीआरई, जिसका हमें अपफ्रंट थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो वो इन द एक्चुअल जो कंटेंट वाली वीडियोस हैं उसमें हमें मदद करेंगी। पहले हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चन टाइप्स पर, यानी वर्बल के जो किसी भी सेक्शन पर हमने देखा है, वर्बल के हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और क्वांटिटेटिव के हर सेक्शन में भी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो वर्बल के किसी एक सेक्शन में जो 20 क्वेश्चंस हैं वो तीन तरह के हैं बुनियादी तौर पर। टेक्स्ट कंप्लीशन के सवालात होते हैं, 20 सवालात में से कुछ टेक्स्ट कंप्लीशन के होंगे, कुछ सेंटेंस इक्विवेलेंस के होंगे और कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिसको हमें डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मुख्तलिफ लैंग्वेज टेस्ट के अंदर, मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवालात देखते आए हैं। एक पैसेज है, उस पैसेज के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने पैसेज को पढ़ना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और अपनी कॉम्प्रिहेंशन की बुनियाद पर उन सवालात का जवाब देना है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाफ ऑफ द वर्बल सेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन टाइप ने तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली आधा हिस्सा ऑक्यूपाई किया होता है एक वर्बल सेक्शन का, यानी 10 क्वेश्चंस 20 में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, बाकी 10 सवाल टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस के होंगे। और ये दोनों काफी मिलती जुलती क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, जब आप आगे चलकर इनके वीडियोस देखेंगे आपको अंदाजा होगा। अभी के लिए हम सिर्फ इतनी बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये एमसीक्यूज होते हैं और ये इन टोटल मिलाकर 10 होते हैं, 6-7 सवाल टेक्स्ट कंप्लीशन के और 3-4 सेंटेंस इक्विवेलेंस के। इनमें करना क्या होता है ये हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानना काफी है कि इनमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं और आपने उन कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस को प्लग इन करना होता है मिसिंग टेक्स्ट के अंदर और उन टेक्स्ट को कंप्लीट करना होता है, हेंस द नेम टेक्स्ट कंप्लीशन। और सेंटेंस इक्विवेलेंस में भी कुछ ऐसा ही करना होता है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। और ये जो फिल इन द ब्लैंक का प्रोसेस है, इसको करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो वोकैबुलरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है इन दो सवालात में, ऑल्दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी है। बुनियादी तौर पर तो जीआरई एक रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट है, लेकिन कुछ सवालात में वोकैबुलरी कुछ जानना, कुछ वोकैबुलरी सीखना भी जरूरी हो जाता है, और वोकैबुलरी पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह। सो वर्बल के क्वेश्चन टाइप्स ये हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप्स भी तीन हैं, तीन तरह के सवालात होते हैं 20 जो टोटल हैं उनमें से। ये जो दो कैटेगरीज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिक एंट्री, ये तो ऐसी क्वेश्चन टाइप्स हैं जिनसे अगेन आप वाकिफ इस तरीके से हैं कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले से काफी दफा मैथ के किए हुए होंगे। और सिमिलरली न्यूमेरिक एंट्री भी ये है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई और इसके साथ कोई आपको चॉइसेस नहीं दी गई, बल्कि एक बॉक्स में आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जवाब, जो भी नंबर है वो नंबर आपने इस बॉक्स में एंटर करना है। तो
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चॉइसेस हैं और न्यूमेरिक एंट्री में कोई चॉइसेस नहीं है, सिर्फ आपने एक न्यूमेरिक आंसर निकाला है और वो आपने एंटर कर दिया है इनटू अ बॉक्स, तो इसलिए इसका नाम ही न्यूमेरिक एंट्री है। तो ये दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स की एग्जाम है या सवालात की एग्जाम है जो मैथ में आप ऑलरेडी करते आए हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अलबत्ता एक यूनिक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी क्योंकि ये यूनिक है टू द जीआरई, और इसको हम अभी डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चन टाइप कैसी होती है और उसमें उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसको कैसे अप्रोच करना होता है हमने। अलबत्ता इन क्वेश्चन टाइप्स के जिम में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन में भी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें एक ही आंसर पॉसिबल होता है और कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स पॉसिबल होते हैं, या कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा लाजमी तौर पर एक से ज्यादा ही सेलेक्ट करने होते हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चन में आपको जो आंसर चॉइसेस दी होती हैं उसमें आपने दो आंसर चॉइसेस पिक करनी होती हैं। टेक्स्ट कंप्लीशन में आपको पर ब्लैंक सिर्फ एक करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मेजोरिटी क्वेश्चंस में आपको सवाल के साथ जो ऑप्शंस ही होती हैं उनमें से एक ही पिक करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसका एक एक तो ये लिखा होगा टेस्ट में हर सवाल के साथ कि यहाँ आप वो तमाम जवाब चुने जो कि हो सकते हैं पोटेंशली, लेकिन वैसे इसकी एक और निशानी ये भी है कि जिन सवालों की आंसर चॉइसेस के साथ स्क्वायर बटन्स बने हों उसमें मल्टीपल आंसर चॉइसेस पॉसिबल होंगे या लाजमी होंगे, जबकि जिनके साथ इलिप्टिकल बटन्स बने हों सर्कुलर से राउंड से उसमें सिर्फ एक आंसर चॉइस पॉसिबल होगी। ये एक निशानी है टेस्ट के सवालात के ऊपर। आप देखेंगे सेंटेंस इक्विवेलेंस के सारे सवालात के साथ आंसर चॉइसेस इस तरह से बनी होगी क्योंकि इसमें आप दो सेलेक्ट आपको करनी होती हैं, जबकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मेजोरिटी सवालात के आंसर चॉइसेस ऐसी पाएंगे और आप एक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक ऑप्शन सेलेक्ट होगी, अगर आप उसको चेंज उसकी जगह कोई और, यानी पहले आप ये दबा दें और फिर दोबारा ये दबा दें तो वो उधर से हट के इस पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पॉसिबल ही है कि वो एक के ऊपर ही एक को ही सेलेक्टेड रखता है। तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें आंसर्स मल्टीपल पॉसिबल हैं और कुछ में चॉइसेस तो मल्टीपल हैं लेकिन आंसर सिर्फ एक पॉसिबल है। इसी तरह मैथ में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दो तरह के हैं, कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनमें चॉइसेस तो मल्टीपल हैं लेकिन सिलेक्शन आप सिर्फ एक ही कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइसेस भी हैं और मल्टीपल आंसर्स भी पॉसिबल हैं, तो उसके साथ आपको स्क्वायर शेप बटन्स नजर आएंगे। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चन टाइप में आपको हमेशा राउंड बटन्स नजर आएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जवाब पॉसिबल होता है, और अभी हम देखेंगे अगले अगली वीडियो में कि वो ऑप्शंस कैसी होती हैं, और न्यूमेरिक एंट्री में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए उसमें सवाल ही इररिलेवेंट हो जाता है। सो ये हैं क्वेश्चन टाइप्स ऑन द जीआरई वर्बल एंड द जीआरई क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सेक्शंस, वो सवालात की इकसाम जिनके जरिए आपकी रीजनिंग एबिलिटी जांची जा रही है विद नंबर्स एंड विद लैंग्वेज।